रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जगदीश शेट्टर जी, बीके हरिप्रसाद जी, माने जी, शिवराम गौड़ा जी, एमके हीरामत जी, हमारे कैंडिडेट्स रुद्रप्पा लंबानी जी, यूबी बंकर जी, यासिन अहमद खान पठान जी, बसवराज शिनवार जी, प्रकाश कोलेवाड जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जब शेट्टर जी बोल रहे थे, मैं सोच रहा था इतने सीनियर नेता को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी एज तो नहीं है, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया, और जब वो बोल रहे थे मैं सुन रहा था कि भाई क्या कारण है कि इनको बीजेपी से निकाल दिया। और फिर उन्होंने अपने भाषण में जवाब दे दिया, उन्होंने कहा मेरे बारे में कोई टेप नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। सीधी सी बात, मतलब इन्होंने 40% नहीं खाया, 40% नहीं खाया, बीजेपी में नहीं हो सकते, टिकट नहीं मिल सकता, मंत्री नहीं बन सकता। सही बात है ना। कभी कभी बीजेपी की मीटिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और उनके स्टेज पे चारों ओर कर्नाटक के 40% वाले नेता खड़े रहते हैं। मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचार से मैं लड़ता हूं, अब जो भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है उसको निकाल दिया, मतलब आप भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हो। अच्छा, विंगलेश्वर स्वामी गदग जी ने भी कहा, मजेदार बात कही उन्होंने कि बीजेपी ने मुझे डिस्काउंट दिया, मतलब 40% नहीं लिए, सिर्फ 30% लिए, वो भी मठ से। मतलब एक तरफ धर्म की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ मठ को डिस्काउंट देते हैं, 40% नहीं लिए, 30% ले लिए, बाकी कर्नाटक से 40%। कुछ भी काम करवाना हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, 40% लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखता है, कहता है प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार 40% कमीशन लेती है, आज तक चिट्ठी रिसीव ही नहीं की, जवाब छोड़ो रिसीव ही नहीं की। मैसूर सैंडल सोप कॉरपोरेशन में एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए कैश लिए पकड़ा जाता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में 80 लाख रुपए की ब्राइब होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पैसा लिया जाता है स्कैम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम होता है, मतलब जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। इन्होंने सरकार बनाई, पिछली सरकार ये भी इनकी नहीं थी, ये भी चोरी की सरकार थी, मतलब वोट किसी और को दिया, पैसा देके खरीद लिया, सरकार बना दी। अच्छा, इनका एमएलए कहता है, बीजेपी का एमएलए कहता है कि 2500 करोड़ रुपए में बीजेपी का सीएम पोस्ट खरीदा जा सकता है, मतलब आपके भविष्य की कीमत बीजेपी के मुताबिक 2500 करोड़ रुपए। इनको ये 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार 40 सीटें दे देना इनको। और बात करेंगे बसवा जी की, उनकी मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ेंगे और पूरे देश में नफरत फैलाएंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, और जो बसवना जी ने पूरी जिंदगी किया उसके खिलाफ काम करेंगे, 2-3 बड़े उद्योगपतियों की पूरी मदद करेंगे। और किसान मजदूर छोटे दुकानदार चिल्लाते रहें रोते रहें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने आपसे 40% पैसा लिया, पिछले 5 साल इन्होंने हर कॉन्ट्रैक्ट में आपसे 40% लिया, अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। शुरुआत में ही हम 4 वायदे करना चाहते हैं, और पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ये वायदे पूरे करने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं 2 दिन नहीं लगेंगे, पहले दिन पहली मीटिंग में ये 4 काम होंगे। 5 साल आपसे 40% चोरी हुई, इसीलिए पहले दिन ये 4 वायदे पूरे होंगे। इन वायदों से अदानी जी का अंबानी जी का फायदा नहीं होगा। हम अदानी जी को मुफ्त में एयरपोर्ट नहीं दे रहे हैं, पोर्ट नहीं दे रहे हैं, पावर प्लांट नहीं दे रहे हैं,
हम कर्नाटक के गरीब कमजोर लोगों से चार वायदे कर रहे हैं। पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने हर महिला को। दूसरा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने। तीसरा वायदा अन्नभागिया, 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। और चौथा और सबसे जरूरी वायदा 3000 रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को और 1500 रुपए हर महीने हर डिप्लोमा होल्डर को। और ये शुरुआत होगी, पहले दिन होगा ये काम। उन्होंने 40% लिया, हम ये चार वायदे आपको देंगे। एक और बात, प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी की बात की, तो ओबीसी की बात करते हैं। अगर हमें देश में सबको भागीदारी देनी है, सबको शामिल करना है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा किसकी आबादी कितनी है। जैसे कभी आपके पैर में चोट लगे तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और एक्सरे कराते हो, एक्सरे से पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। जब यूपीए की सरकार थी, हमने कास्ट सेंसस करवाया था। सेंसस में हर जात के बारे में सवाल पूछा गया था। सेंसस के डेटा में है किसकी कितनी आबादी है, ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं। उस एक्सरे को प्रधानमंत्री पब्लिक क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान की जात की सच्चाई देश को क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो सचमुच में ओबीसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरी चलाते हैं। देश का पैसा, सरकार का पैसा, सरकार का बजट सेक्रेटरीज डिसाइड करते हैं। उन सेक्रेटरीज में से सिर्फ 7% ओबीसी, एससी और एसटी से आते हैं। क्या ओबीसी, एसटी और एससी की आबादी सिर्फ 7% है देश में? देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। नरेंद्र मोदी जी को एकदम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देना चाहिए। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन पे 50% का लिमिट रखा हुआ है, इसको एकदम हटा देना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी सचमुच में ओबीसी की बात करना चाहते हैं, सचमुच में ओबीसी को भागीदारी देना चाहते हैं, सचमुच में ओबीसी का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो ये दो कदम उठा लें। और जब तक ये काम नहीं करेंगे, तब तक वो ओबीसी शब्द न प्रयोग करें। कि अगर वो सचमुच में ओबीसी को चाहते हैं, तो ये दो काम उनको पहले करने चाहिए। और तीसरी बात, जितनी आबादी एससी और एसटी की है, उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, अगर आपने कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज नहीं किया और 50% का कैप नहीं हटाया, पहले हम आप पे दबाव डालेंगे, आपसे करवाएंगे, और अगर आपने नहीं किया तो हम करेंगे। आखिरी बात मैं किसानों की करना चाहता हूं। आप याद कीजिए, जब यूपीए की सरकार थी, हमने आपका कर्जा माफ किया था, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया। पेट्रोल का दाम 60 रुपए हुआ करता था, गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, पर टैक्स नहीं लगता था, हम फर्टिलाइजर सब्सिडी देते थे। आज आपके ऊपर जीएसटी लगता है, 100 रुपए का पेट्रोल हो गया, 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 उद्योगपतियों को जाता है। शुगर केन के किसानों को सही दाम नहीं मिलता। आज मैंने किसानों से बात की और उनको आश्वासन दिया कि हम उनको सही दाम दिलवाएंगे शुगर केन के लिए, और एग्रो इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। सीएम ने मैंगो पल्प यूनिट की बात की थी, कुछ किया नहीं, हम ये काम करके दिखाएंगे। आखिरी बात, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। सरकारी कंपनी एक के बाद एक प्राइवेटाइज की जा रही है, सरकारी रोजगार कम किया जा रहा है। हेल्थ केयर में और शिक्षा में सरकार को इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, वो सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, बेरोजगार हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, गरीब हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, न्याय चाहिए हमें। और यही कर्नाटक की सरकार करने जा रही है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार बनेगी। और इन्होंने जो 40% भ्रष्टाचार किया है, उसको हम भूलेंगे नहीं। आप सब आए, दूर दूर से मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें देनी है, नहीं तो फिर से ये आपसे जो इन्होंने पैसा चोरी किया है, उससे ये सरकार को खरीदने की कोशिश करेंगे। और इनको 40 सीट से ज्यादा मत दे देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।